वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। मोबाइल पीछे करो, कौन है? हेलो, हमारा भी हुआ है, सब लोगों का टीकाकरण हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग लोगों के दिशा निर्देश के मुताबिक 20 मिनट से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग बैठे और हम लोग सामान्य स्थिति थी, कहीं कोई बात नहीं, दूसरा हम लौटे हैं और जैसा पहले बता चुके हैं कि अपने काम तेजी से चलना है। और पहले एक बात हो रही थी कि यहीं पर हम लोग माननीय विधायक और विधान पार्षद, लेकिन वो पूरी बात उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि जब कोई अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, टीकाकरण लेंगे, तो 30 मिनट तक उनको एक जगह बैठना है। वैसी स्थिति में जो जितने डॉक्टर्स होते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं, उनको रहना होता है। प्रकार से इस तरह से अलग अलग जगहों पर सब मिला करके कहा गया, इनका भी IGIMS में और वो हम लोगों ने देख लिया है जहाँ पर होगा। और प्रतिदिन ये तो हो जाएगा कि सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक और फिर दोपहर बाद 1 बजे दिन से लेकर के 7 बजे शाम ये काम होगा। जब ये कराएंगे तो ये कर दिया गया है और इस तरह से बाकी सब जगह के लिए भी काम शुरू हो रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। 3-4 घंटे का वक्त बीत गया सर, कैसा अभी तक अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए तो अब कहेंगे सब लोग जिनको टीकाकरण लेना है, अब जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, पहले तो 50 साल से अधिक वाला था, अब हो गया कि नहीं 60 साल से अधिक वालों को पहले कराया जाए और उसका 60 साल से कम और 45 वर्ष की उम्र में जो कई बीमारियों से ग्रस्त हैं उसका भी नोटिफिकेशन हुआ है, उन लोगों को भी कराया जाए। तो ये सब काम तो आज से अब शुरू हो गया, तो वो भी है, हम लोगों का तो अनुभव है और बहुत ठीक है। एकदम टीकाकरण ससमय करा लेना चाहिए और उसके बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। सबका अनुभव है, डॉक्टर्स उसको देखते हैं, कहीं भी किसी प्रकार से कोई कठिनाई होगी तो उनके ट्रीटमेंट से लेकर के हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है और तेज़ी से करना है। और हम आप लोगों को बता दें कि 28 दिन के बाद दोबारा होता है, ये भी तय हो गया कि आज हम लोगों का हुआ है तीसरे चरण के पहला दिन और डॉक्टर्स और सब लोग बैठे हुए थे, सब लोगों ने तय कर दिया कि आपको आप लोगों को 31 मार्च में दूसरा करा लेना चाहिए। आप समझ लीजिए 28 दिन से प्लस 30 दिन के बाद तो हम लोग ये भी तय कर चुके हैं कि दूसरा टीकाकरण होगा। तो हम सब लोगों को प्रार्थना करते हैं कि सब लोग टीकाकरण कराइए और आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही 6 बजे टीकाकरण कराया, तो आप देख लीजिए कि सब लोग अब इस काम के लिए लगे हैं और भारत सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है और वैक्सीन का इंतजाम किया है सब तरह से। और अपने यहाँ जो प्राइवेट भी अस्पताल हैं कुछ वैसा 50 का चयन हुआ है, वहाँ भी टीकाकरण होगा, लेकिन अपने राज्य में राज्य सरकार का ये निर्णय है कि उन जगहों पर भी जो प्राइवेट अस्पताल में भी कराएंगे उसके लिए भी हम लोग मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम करवाएंगे। तो सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इसका टीकाकरण ससमय जरूर करा लीजिए, यही सबसे अच्छा है, यही छुटकारा देगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको बधाई दी है जन्मदिन की, अभी ट्विटर पर तो बधाई दी है सर। ममता बनर्जी से मुलाकात पत्रकारों के लिए सभी, हाँ ये भी बता दें, आज भी बात हो गई है पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये काम किया जा रहा है, ये बात हमने कह दिया है और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि आप लोगों को भी इसके लिए उपाय कर दिया जाए टीकाकरण का। और हमने कहा है कि भाई आखिर पत्रकार लोगों को तो कई जगह जाना पड़ता है, बहुत तरह व्यस्तता रहती है, तो उन सब लोगों को जैसे हम लोग 2 चरण का केंद्र सरकार का दिशा निर्देश चला है तो हम लोग राज्य में एक
इनके लिए भी, पत्रकार बंधुओं के लिए भी, हम लोग जरूर इसके बारे में देख लें और उसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज ही बैठ करके इसका दिशा